कर देते हैं। अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं। आप इसमें यहाँ पे डेप्थ कैलकुलेशन करें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं सोस्ट प्राइस। सोस्ट प्राइस कितनी है संपत्ति की, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे इस संपत्ति का लागत मूल्य है 65,000। फिर आपने यहाँ पे लिखा गारंटी वारंटी, संपत्ति की गारंटी वारंटी कितनी है 3 साल। फिर आपने यहाँ पे निकाला आर बी रेसिडियल वैल्यू, रेसिडियल वैल्यू अपन ने मान ली इसकी कितनी हो गई 40,000। 3 साल बाद ये संपत्ति अपनी 40,000 में चली जाएगी। आप यहाँ पे निकालेंगे डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं सोस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो अमाउंट आएगा 25,000। अब आप तो यहाँ पे परसेंट भी निकालना है, कितने परसेंट डेप अपना इस पर लग रहा है। इसके लिए आप यहाँ से परसेंट का साइन सेलेक्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला है इक्वल 1 से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे तो पर ईयर का डेप आ जाए, कितने परसेंट डेप लग रहा है 33%। अब आप यहाँ निकालेंगे पर ईयर डेप। पर ईयर डेप निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे डेप का सेल एड्रेस, इसमें डिवाइड करना आप गारंटी वारंटी का, एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 8,333। ठीक है, फिर आप यहाँ पे निकालना पर मंथ डेप, पर मंथ का डेप, पर मंथ डेप निकालने के लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि इस साल में 12 महीने होते हैं तो आप डिवाइड करेंगे 12 से, एंटर करेंगे पर मंथ का डेप यहाँ पे आ जाएगा। इतना निकाल लेंगे आप लोग, इतने में कोई डाउट है? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का लागत मूल्य कितना है, गारंटी वारंटी कितने टाइम की मिली है 3 साल। 3 साल बाद इस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कितना बचेगा, अपन ने लिख लिया 40,000। 3 साल बाद ये संपत्ति अपनी 40,000 में चली जाएगी, तो डेप कितने पे लाएंगे आप 25,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप डेप लगाएंगे। परसेंट निकालना है आपको यहाँ पे, इसके लिए आप क्या करते हैं पहले परसेंट का साइन लेंगे आप यहाँ से, इक्वल 1 से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, इस साल में कितने परसेंट डेप लग रहा है 33%। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर ईयर डेप, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, तो यहाँ पर ईयर का डेप आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर मंथ, अभी आप देखते हैं पर ईयर का अपन ने कैसे निकाला, डेप का डिवाइड कर दिया गारंटी वारंटी। अगर आपको इस परसेंट की हेल्प से निकालना है, ठीक है अभी अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसे, अगर आप इस परसेंट की हेल्प से निकालना चाहते हैं तब आप इक्वल लाएंगे एक्स्ट्रा सेल एड्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, तो देखिए सेम अमाउंट आ रहा, लेकिन जब परसेंट से निकालेंगे तब क्या करना है मल्टीप्लाई, और जब गारंटी वारंटी से निकालना है तब क्या करना है आपको डिवाइड। अब वो डिपेंड आप पे बताता है। अब अपन का निकालना है पर मंथ डेप, इसके लिए आप इक्वल लाएंगे पर ईयर का डेप, इसमें डिवाइड कर देंगे 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेप यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे निकालना पर डे डेप, एक दिन में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, एंटर करेंगे पर ईयर का डेप यहाँ पे निकल आएगा, इतना निकाल लेंगे आप। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज डे, इस संपत्ति का अपन ने कितने दिन यूज किया, आप देखिए अपन ने संपत्ति परचेज कब की थी बताइए, डेट बताइए, इतना जैसे उसने सोशल दिया था ना उसमें से डेट बताइए, 1 फरवरी। हाँ मंथ भी निकाल सकते हैं डे भी, देखिए अगर आपको मंथ निकालना है आपको पता है आज मैंने यूज किया, आप काउंट करें कब खरीदी अपन ने 8 फरवरी 2023 को, सेल कब कर दी अपन ने से 8 सितंबर 2023। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे लिखा है, अगर आप मंथ के हिसाब से निकाल रहे आप हिसाब ला लेंगे, कब खरीदी थी अपन ने फरवरी, सेल कब कर रहे हैं सेप्टेम्बर, कितने महीने हो जाएंगे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले फरवरी, फिर पूरा फरवरी यूज किया, फिर पूरा मार्च
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक यूज हो। अगस्त में यूज करने के बाद ए सितंबर को अपन इसको बेच दिया। सितंबर में तो इससे यूज नहीं किया, मंथ कितने होंगे 7। जितने मंथ अपन ने इससे यूज किया है, 8 महीने में नहीं होंगे, 9 महीने में कितने होंगे 7। फरवरी से यूज करना स्टार्ट किया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक आपने इससे यूज किया। अगस्त में यूज करने के बाद 1 सितंबर को बेच रहे हैं। डेट कब तक चलाएंगे? जब तक अपन ने उसका यूज किया हो। कितने महीने हो जाएंगे 7। अगर आपको मंथ निकालना, आप मंथ निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको डे के हिसाब से निकालना, कितने दिन अपन ने इसका यूज किया, ठीक है, मंथ तो आप निकाल लेते हैं, 8 मंथ आपको पता चल गया। अगर आपको दिन निकालना, तब आप क्या करेंगे, इक्वल लाएंगे, इसका सेल एड्रेस लेंगे, माइनस कर देंगे इसका, 1 सितंबर में से माइनस करना आप 1 फरवरी, एंटर कर देंगे, देख कितने दिन यूज किया अपन ने, 212 दिन, बता रहा, निकाल लेंगे। फिर से बताओ, देख आपने यहाँ पे लिखा खरीदी कब है, 8 फरवरी, सेल कब कर दी, 1 सितंबर को, कितने दिन अपन ने इसका यूज किया है, मंथ तो आप निकाल लेते हैं, 8 महीने अपन, 7 महीने अपन ने इसका यूज किया है, लेकिन अगर आपको दिन निकालना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे इक्वल लाना है, जिस मंथ में आपने सेल किया उसका सेल एड्रेस माइनस कर देंगे जब अपन ने इसको खरीदा है, एंटर कर देंगे, कितने दिन आ गए यहाँ पे, 212 दिन, कितने दिन यूज किया है, 212 दिन। अब आपको यहाँ निकालना है यूज डे डेट, जितने दिन अपन ने संपत्ति का यूज किया है उतने दिन का इसका डेट कितना लगेगा, ठीक है, दिन के हिसाब से निकाल रहे हैं अपन, जितने दिन अपन ने संपत्ति का यूज किया उतने दिन का इसका डेट कितना लगेगा, तो आपको इक्वल लाना है, पर ईयर डेट का सेल एड्रेस लेना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है यूज डे, जितने दिन यूज किया है उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पर डे डेट का जो अमाउंट है, एक दिन में कितना डेट लग रहा है इस पर, 22 रुपये, लेकिन यूज कितने दिन किया है, 212, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाए। अब इस पर डेप कितना लगेगा, 4840। फिर से बताएंगे क्या आ गया, इतने में कोई डाउट हो पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे, रिपीट कर देंगे, करना है क्या, फिर से रिपीट आ गया सबको अच्छे से, इतना कर लेंगे आप लोग, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। अब ये आपने निकाल लिया यूज डे डेप, डेप का अमाउंट कितना आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस, संपत्ति का अपन ने यूज कर लिया 212 दिन, अब अपन इसको बेच देंगे, ये संपत्ति आपकी कितने में जाना चाहिए, सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी, इसके लिए आपको इक्वल आना है, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे जितने दिन अपन ने संपत्ति का यूज किया उतने दिन का जो डेप इधर आ रहा है, कितने दिन यूज किया था अपन ने, 212 दिन का डेट कितना था, 4840, एंटर कर दें। अभी अपनी संपत्ति कितने में जाना चाहिए, 60159। फिर आप यहाँ लिखते हैं नेट सेलिंग प्राइस, आपकी ये संपत्ति जाए कितने में रही, जैसे आपको बेचना कितने में, 60,000, लेकिन अपनी ये संपत्ति जाए कितने में रही है, अमाउंट दिया था ना, मैं कितना लिख पाया, 50,000, संपत्ति अपनी जाए कितने में रही है, 50,000, जाना कितने में चाहिए थी, 60,000, जाए कितने में रही है, 50,000। आप यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको इस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, निकालने के लिए आपको इक्वल लाना, नेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कितने का लॉस हो रहा है, 10,109 हो रहा है अभी लॉस, लेकिन अगर ये अमाउंट प्रॉफिट में आता तब क्या होता आपको, प्रॉफिट। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना फिर हम आपको टैली में इसकी एंट्री बता रहे हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग इतना, इतने में किसी को डाउट नहीं,
कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।